Hello friends. This video is of the talk on multiculturalism at Bodhgaya, which I delivered at the fifth Bodhgaya Global Dialogues, organized by Deshkal Society at Bodhgaya from 24 to 26 March 2023. In this video, I discuss Bodhgaya's multi-layered and multicultural past, which is connected to its present. Anish Sena, who is a, who's a professor, professor and ex-head uh, university, university department, department of, history, of history, Magad University. university. He's, He's been, been at Indian Institute of Advanced Study twice and has been a, a visiting university fellow at the, the Central University of South Bihar. We were uh, 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 having discussions having that he was working on, on Tibetan uh, uh, diaspora in exile. In exile. He's authored, he's authored two books and over 15, 15 publications, publications in various, various national and international journals. And, and something of great of interest is that he's also associated with the INTAC as the convener of Gaya, Gaya, Gaya chapter that is contributing to heritage. There are lots, there are of, lots of other, other things, things, but I'll just convene this to this thing. thing. Over to over you. To you. चेयर शशांक जी जो कि चेयरपर्सन हैं और डिस्टिंग्विश डिग्नेटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस स्टूडेंट्स प्रेस मीडिया के जो लोग जो हैं मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज का विषय है कि मुझे यहाँ मौका हर बार संजय जी देते हैं बोधगया डायलॉग्स में मैं उनका उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ मैं सीधे विषय पर आ जाता हूँ मेरा जो टॉपिक है माई टॉपिक इज़ बोध गया मल्टी कल्चरल पास्ट एंड प्रेजेंट यानी कि बहु बोधगया का जो पास्ट और प्रेजेंट जो उसमें जो बहु संस्कृतिवाद के जो चिन्ह हैं आई शविल भी टॉकिंग अबाउट इट तो देखिए बोधगया हैज़ अ मल्टी कल्चरल एंड अ मल्टीलेट पास्ट जो कि उसके प्रेजेंट से कनेक्टेड है और ये ऐसा यह जगह है जो कि बुद्धिस्ट के द्वारा तो रेवड है ही एक प्रमुख पिलग्रिम स्थान है और साथ ही साथ दूसरे ट्रेडिशंस के लोग भी जो हैं दूसरे Uh, मान्यताओं को मानने वाले लोग भी हैं उनके लिए भी इक्वली यह रेवर्ड है तो इस कारण से यह जो बहुसंस्कृतिवाद जो है या बौद्ध गया में बहुत स्पष्ट रूप से उसका मैनिफेस्टेशन है इट इज़ मैनिफेस्टेड हियर वी बींग मैनिफेस्टेड हियर तो यह जो बहुसंस्कृतिवाद के जो चिन्ह हैं ये तो तब से इसकी शुरुआत हो जाती है जब से सिद्धार्थ गौतम बने और उसके बाद जब अशोक यहाँ आए उन्होंने ये जो वज्रासन है उसके तो चारों तरफ एक रेलिंग बनवा दी और वहीं से एक आधार बना जो कालांतर में कितने ही राजा आए कितने ही यात्री आए कितने रिस्टोरर्स आए इन लोगों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी इसका पुनर्निर्माण किया पुनरुद्धार किया और यह मंदिर तो एक बार में बना नहीं है इस पर भी यानी अने अनेक इसके विषय में अनेक मान्यताएं हैं लेकिन जिस अवस्था में हम लोग देखते हैं संभवतः आठवीं नौवीं शताब्दी का है तो बोध गया जो लोग आए हैं श्रीलंका से आए चीन से आए साउथ ईस्ट एशिया से आए तिब्बत से आए पाहियन आया यहाँ वेन सैंग जेंग जेंग आए यहाँ धर्म स्वामीन बारह में उनका और 20वीं शताब्दी में गेंदुन चौपल आए उनके बारे में कम ही चर्चा होती है तो ही वॉज अ मच एक ऐसे व्यक्ति थे मॉन्ग थे लेकिन मच अहेड ऑफ हिज टाइम्स ही इज राइटिंग ऑन काम सूत्रा एंड ही इज राइटिंग ऑन सो मेनी अदर थिंग्स अल्टीमेटली ही डाइज इन प्रिजन एज ए अल्कोहोलिक लोग उनको समझ नहीं पाए जो इस तरह के लोग जो होते हैं बाईलाज मिसअंडरस्टूड होते हैं तिब्बत अरे इनके साथ राहुल संक्रतायन जब गए खोजने तो ये उनके साथ हो लिए और फिर राहुल संक्रिताइन जब यहाँ आए इंडिया तो इनके साथ गेंदून चौंपे लाए ही कम्स बैक टू इंडिया विथ हिम डाइज एट अ वेरी यंग एज ऑफ फिफ्टी वन ईयर्स वेन सॉन्ग छः सौ अड़तीस से छः सौ चालीस के बीच में आए उनकी किताब है सी यू की जिसका कि अनुवाद जो सैमुअल uh, बिल ने किया पहले भी हुआ और माई ट्रेवल्स बुद्धिस अकाउंट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या माई ट्रैवल्स इन द वेस्ट के रूप में हमारे उपलब्ध तो और भी कई अनुवाद हुए हैं अभी तो प्रोफेसर मैक्स डीग से मैं मिला था कुछ दिन अनुवाद कर रहे हैं आने वाला है तो अनुवाद और फिर अनुवाद तो होता ही रहेगा तो महाबोधि आया है जैंगजैंग जैंग, कहता है माँ पोटी और कनिंगम ने तो पूरा रिलाई किया है वैन जैंग के ट्राइवलॉग पे जिसके आधार पे उन्होंने जो बोधगया का इतिहास जो रिकन्स्ट्रक्ट किया और जो एक्सकवेशन हुआ जो रेस्टोरेशन हुआ तो वज्रासन पर आया वो कहता है कि इन द मिडिल ऑफ द एनक्लोजर जो एनक्लोजर है बोधी ट्री के अराउंड वहाँ वज्रासन है और डायमंड थ्रोन है और यही वो जगह है जहाँ की बुद्धास जो हैं कई बुद्धा आए और आएंगे इन होली पाथ सीक्रेट पार्ट ऑफ बुद्धा इनको यहाँ मिलता है और इसको वो कहता है कि इट इज नोन एज द बोधि मंडा और लिखता है अशोक के बारे में कि अशोक पहले नॉन बिलीवर था और जब यहाँ आया तो उसने पेड़ को जब काट दिया लेकिन एक मिर्कल हैपन हुआ पेड़पन अपने लगा तो बड़ा प्रायश्चित अशोक ने किया तो फिर वो दूध केसर युक्त सुगंधित दूध डाला तो वो जो ट्री है दो तीन दिन में फिर एकदम ब्लॉसम करने लगा और उसके बाद उसने यह कहा कि टेन फीट रेलिंग चार्जों से बनवा दी तो बहुत बड़ा अकाउंट है उसका अब श्रीलंकन कनेक्शन जो रहा जब हम बहुसंस्कृतिवाद बात की बात करते हैं तो विभिन्न देशों से जो पास्ट में जो कनेक्शन है वर्तमान में जो कनेक्शन है उसी के इर्द गिर्द हम अपने डिस्कशन को रखेंगे तो वो ये भी लिखता है जैंग जैंग कि यहाँ एक मोनेस्ट्री है जो कि श्रीलंका के राजा ने बनवा दिया था

तो बोध गया मोनेस्टी जिसका वर्णन करता है तो यहाँ दो हेड मोंग्स थे प्रज्ञा देव और ज्ञान देव इनके साथ उसका डिस्कशन होता है वो कहते हैं कि तुम येन यान को ये करो ये कर, ये कहते हैं महायान उसके बाद देखिए जो बोधगया डायलॉग्स का जो कंसेप्चुलाइजेशन हुई ये डायलॉग जब वो जो चला भी जाता है तो भी ये डायलॉग चलता है यहाँ से ज्ञान देव और प्रज्ञ देव एक लड़के को भेजते हैं मोंग को वो सिल्क रोब्स लेकर जाता है कुछ किताब लेकर जाता है बोध गया चीन जाता है और उसके बाद वहाँ से वोनजांग एक लेटर लिखते हैं अभिवादन करते हैं कि आप कैसे हैं हमको मिला किताब हमको मिला आप स्वस्थ हैं लेकिन वोनजांग फिर अपनी बात कहते हैं कि आप महायान में ही आ जाइए ये जो विमर्श का की जो बात है बड़ा ब्यूटीफुल है और उस पर काम किया है देव देवभूति जी ने काम किया है शी so हैज uh, 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 उनकी किताब जो है वोनजांग पे तो उस पर उन्होंने काम किया शी वॉज ऑल्सो अ वेरी डायनमिक स्कॉलर जिस जिनको जिनको बहुत लोग शायद कम जानते हैं बहुत कम पढ़ा गया है उनको तो श्रीलंका का ही प्रेजेंस रहा यहाँ और पाँच सौ अठासी नवासी ईस्वी के लगभग श्रीलंकन मॉन्ग था महा नमन उसका इंस्क्रिप्शन है हमारे पास वो कहता है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्यूटीफुल मैंशन बनवा दिया ऑफ द ऑफ द ग्रेट टीचर उसके बाद एक बात का इंस्क्रिप्शन है वो सजेस्ट करता है कि न्यू प्लास्टर और पेंट टेंपल के लिए आ, आ, सुविधा किया गया और तो ये जो प्लास्टर और पेंट है ये टेम्पल एग्जैक्टली exactly की बात यहाँ पर शायद नहीं है मे बी जो इंटरप्रेट कर रहा है वज्रासन की बात कर रहा है वज्रासन ही वो आधार है जिसके इर्द गिर्द बाद में टेम्पल बनता है है ना तो ये थेडोर ब्लॉक का नोट्स ऑन बोध गया आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोर्स एनुअल रिपोर्ट उन्नीस सौ आठ उन्नीस सौ नौ उन्नीसवीं शताब्दी में तो श्रीलंका के कनेक्शन से हम लोग वाकिफ़ी हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया अंगारिका धर्मपाल इन्होंने महाबोधि सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया बोधगया के पुनरुद्धार के लिए काम किया और इन्होंने जो आंदोलन चलाया कि बोध गया फॉर द बुद्धिस्ट पूरी दुनिया का इन्होंने टूर किया और एक प्रकार से उन्होंने बोध गया के इंटरनेशनलाइजेशन किया और जो बोध गया बुद्धिस्ट कंट्रोल फॉर बोध गया का जो मूवमेंट था 1922 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो यह मुद्दा भी था और बिहार के ही राजेंद्र बाबू जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए तो हर चीज़ में जब मामला फंसता था तो उनको कहा जाता था कि आप समझौता कराइए तो राजेंद्र बाबू की रिपोर्ट आई 1935 में उसी रिपोर्ट के आधार पर बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो एक्ट पास हुआ उन्नीस में जिसमें हुआ कि बुद्धिस्ट और हिंदू कंट्रोल दोनों रहेगा तो महाबोधि सोसाइटी और ये जो बुद्धिस्ट कंट्रोल और जो हिंदू कंट्रोल वाली बात है बहुत तब सुन पड़ गया है शायद इसका वजूद ही खत्म हो गया है सबका कंट्रोल है एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई है और शायद अब उसमें जो राजनीति वाला जो अंश था वो अब शायद उतना नहीं है जो कि अच्छी बात है क्योंकि जो बोधगया डायलॉग्स को लेकर हम लोग चलते हैं सकारात्मक विमर्श के लिए अगर उसमें अंतर्द्वंद और अंतर विरोध होगा तो फिर कल्याण किसी का नहीं होने वाला है और एक्सक्लूसिव आइसोलेटेड तो एग्जिस्टेंस के रूप में बोधगया का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता है वर्तमान के संदर्भ में अब हिंदू ट्रेडिशंस की बात करें जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं दो ट्रेडिशंस हैव एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन द फॉर्म ऑफ बुद्धा एज अ हिंदू डेटी जोग्राफिकल स्पेस ऑफ बुद्धा बोध गया सर्विंग एज अ लोकेल और सेवरल साइट्स ऑफ एंसेस्टर वर्शिप इस पर भी है कि बुद्ध आखिर राय यहाँ क्यों एक विचारधारा है कि बोधि वृक्ष के नीचे इसलिए बैठे कि अक्षय अक्षय वट था यहाँ पहले है ना और अब अमर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब अक्षय वट की पूजा होने लगी अभिषेक अमर कहते हैं तो खैर नहीं वे शशांक जी बैठे हुए हैं लिखते हैं अभी सेमिनार मैगजीन में इनका है कि ही राइट्स कि की बोध गया मंदिर जो था वो तो हो गया था 1590 में एक सन्यासी आया घमंडी गिरी बनारस से उसको अच्छा लगा यहाँ पर हम लगा और वहाँ पे उसने अपना डेरा बना लिया तो मुझे समय बता देना है ना तो फिर हम उसको शॉटअप कर देंगे हाउ मच टाइम टू है अच्छा तो फिर Uh, हम लोग ये देखते हैं कि ही ही हैज रिटर्न कि वो कोई फोर्स टेक ओवर नहीं था ऑलरेडी इट वॉज एन अबंधन साइट तो बोध या मठ को भी आप जाकर देखिए जो लोग यहाँ पर भी आए हैं कि वहाँ तो क्या हिंदू ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सब इंटरमिंगल्ड है जो स्कल्पचर्स हैं जो डेटीज़ हैं हिंदू डेटीज़ में बुद्धिस्ट डेटी में हैं हम लोगों ने अभी विरासत यात्रा भी की बिहार हेरिटेज सोसाइटी के द्वारा तो उसको भी हम लोग को फोकस में लेना है सर बोधगया डायलॉग्स में भी वो भी हमारे रडार पर होना चाहिए और इतने लोग बोधगया के विमर्श करने जो लोग आए हैं और वो हम लोग भी इंटैक के माध्यम से तो, चूँकि मैं कन्वीनर हूँ गया अध्याय का भारतीय सांस्कृतिक निधि का तो उसके माध्यम से भी देख रहे हैं और मुझे तो ये लगता है कि इस तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं एन हैं इन सबको आपस में कनेक्ट करना होगा तभी एक सिनर्जी कायम होगी सब लोग अपने अपने जगह पे जो काम कर रहे हैं कई मायने में इनके अमा आयाम एक समान हैं और फिर तो मैं तिब्बत की बात करूंगा तो जितना कंट्रीब्यूशन टिबेटन्स ने किया है टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बोध गया शायद किसी ने नहीं किया है एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा हु इज कंसिडर्ड टू बी अ बीविंग बोध दलाई लामा यहाँ सबसे पहली बार उन्नीस में आए दस मार्च को तो वहाँ जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ही ही कम्स टू इंडिया रिफ्यूजी स्टेटस इनको मिला और यहाँ नवंबर में बोधगया गया में टॉप तो भिक्षुओं को पहली बार इनिशिएट किया 26 साल के तो थे ही उस समय आठ सतासी साल के हैं उसके बाद 1960 में यहीं से तिब्बती सरकार में जनतंत्र की शुरुआत उन्होंने की यही 2 फरवरी को बोध गया महाबोधि के नीचे उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रशासन का जो तरीका था तो उसको बदलना होगा और तिब्बत को यदि आधुनिक ये विश्व में जो देश हैं अगर उनके उनका दर्जा अगर मिलना है तो वी नीड टू तो रिकन्स्ट्रक्ट और उन्होंने जो किया तो उसके बाद चुनाव हुआ आप जानते हैं कि तिब्बतन बुद्धिज़्म में चार स्कूल हैं निगमा है गेलुप्पा है, है कागयू है है ना? और एक और है आ, शाक्या, है ना? तो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ जो अलग अलग जो रीजन से आमडो है खाम है उस सब के प्रतिनिधियों ने एक आ, इन एग्जाइल चुना है ना? और ये इन एग्जाइल जो है वो काम करने लगा फिर एक कैबिनेट बना कशाग बना और 2 सितंबर जो है वो जो है इन लोग मनाते हैं एज अ डे डेमोक्रेसी डे को मनाते हैं 1975 से टिबेटन डे को इसको मनाया जाने लगा तो दलाई लामा का जो पर्सनालिटी जो रहा है इस होलीनेस का बहुत मैग्नेटिक रहा है एंड हिज अपील इज़ वेरी लार्ज आप देखिए मल्टी कल्चरल कल्चरिज्म को तो इनिशिएट हैं उनके कितने शिष्य चाहे रिचर्ड गेरे हों या जो भी हों हाँ ठीक है तो वाट आई मीन टू से इसकी बोध गया जो नहीं समझते हैं नहीं समझ सकते हैं और यदि हम लोग आइसोलेटेड वे में समझने का प्रयास करेंगे सिर्फ एक संस्कृति या एक ट्रेडिशन के संदर्भ में तो ये सकारात्मक विषय विमर्श नहीं होगा और यही सकारात्मक विश्व विमर्श की पहल संजय जी और अन्य लोग कर रहे हैं धन्यवाद